साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। और इसी कड़ी में हम लोग जो है, जो विभिन्न वजहों से जो आपके वैश्विक संगठन हैं जो चर्चा में रहे हैं, उन संगठनों के बारे में यहाँ पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन अर्थात आसियान के बारे में। इससे आपके प्रश्न बनते रहे और आगे भी बनने की पूरी संभावना रहेगी। और ये जो कंटेंट लिया गया है, ये विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो PT365 नाम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो मैगजीन है उससे लिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन अर्थात जो आसियान है, ये चर्चा में क्यों था। तो देखिए, भारत ने जो है सिंगापुर के साथ मिल करके आसियान विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक दिल्ली डायलॉग की सहअध्यक्षता की 2022 में। और इसी के साथ भारत आसियान साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो आसियान भारत कार्य योजना, उसका जो कार्यान्वयन है, वो जो टाइम पीरियड है 2021 से 2025 तक का है। अब हम लोग आसियान के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, आसियान जो है, या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों संगठन, यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसकी स्थापना जो है वो 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग एवं स्थिरता, आर्थिक समृद्धि व विकास तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। इसके संबंध कुछ फैक्ट को देखें तो इसकी जनसंख्या जो है, विश्व की आसियान देशों की जो कुल जनसंख्या है वो विश्व की 8.5% है। और इनकी जो सकल घरेलू उत्पाद है, कुल GDP जो है, वो विश्व के 3.5% है। ये 10 सदस्य हैं, 10 देशों का ये संगठन है। अब ये 10 देश कौन से हैं, इनको आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, ये रेड वाला लाओस है, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पे आपका सिंगापुर है, ये ब्रुनोई है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, और ये आपके कुल 10 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें वार्ता भागीदार वाले जो सदस्य हैं उनको भी देख लें। तो इसमें वार्ता भागीदार वाले सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, न्यूजीलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अतिरिक्त आप देखें तो कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान हो गया, साउथ कोरिया है, और यूनाइटेड किंगडम है। तो इसमें वार्ता भागीदार वाले देशों में जो है, या सदस्यों में भारत भी शामिल है। इसके अतिरिक्त जो इसका क्षेत्रीय सहयोग तंत्र है, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक आसियान प्लस 3 और एक पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन है। तो आसियान प्लस 3 में जो है 10 सदस्य तो आसियान के हैं जो इसके मेंबर हैं। इसके अतिरिक्त 3 अन्य देश हैं, उनमें आपका चीन, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया शामिल है। इसका उद्देश्य जो है, इस मंच का उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देकर के क्षेत्रीय अवसंरचना के विकास एवं वित्तीय सहयोग को मजबूत करके आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ करना है। वहीं जो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है, इसमें आसियान के 10 देश जो इसके मेंबर हैं और 8 देश और, तो 8 अन्य कौन से हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। चीन देखिए दोनों में शामिल है, आसियान प्लस 3 में भी है और पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में शामिल है। इसका उद्देश्य जो है क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है। अतीत में भारत के द्वारा जो कुछ प्रमुख कदम उठाए गए उनकी यदि बात करें तो भारत ने समुद्री सहयोग के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की है। इसके अतिरिक्त भारत ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ साझेदारी में समुद्री प्रदूषण का समाधान करने पर EAS कार्यशाला अर्थात पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कार्यशाला का भी आयोजन किया। इसके अतिरिक्त भारत ने 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की घोषणा की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे आसियान के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।